फाउंडेशन आपका है, जैसे आज का ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया गया, उसमें आपने ब्लड डोनेट किया, जो ब्लड डोनेट नहीं करते उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, आप सब लोग जो आए हैं, जिनको डॉक्टर ने ओके कहा है, आप सबने ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मैंने किया है और मुझे अच्छा लग रहा है। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ब्लड की रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा है आज की डेट में। कोरोना के संकट की वजह से जो स्व इच्छा से ब्लड डोनेट करते थे वो सामने नहीं आ रहे हैं, और ब्लड डोनेशन शिविर ज़्यादा हुए नहीं है, उसकी वजह से महाराष्ट्र में सिर्फ एक दिन का ब्लड बाकी है ब्लड बैंक्स में। तो मुझे लगता है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और हम सब ने आगे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए। जहां हमारे देश में कोरोना के पहले 1,20,00,000 यूनिट्स ब्लड लगता था, उस वक्त अवेलेबल था 90,00,000, और आज तो उससे भी कम हो गया है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जो भी ब्लड डोनेट कर पाए उन्होंने आगे आके ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जैसे कोरोना काल में जैसे कि ब्लड बहुत कम हो चुके हैं, उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें बेड्स भी बहुत कम हो चुके हैं, कोरोना की जो सिचुएशन है बहुत ख़राब चल रही है, मतलब इस टाइम पे हर सिटी हर शहर की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ये बोलूँगी कि हाईएस्ट डेथ्स महाराष्ट्र में हुई है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स महाराष्ट्र में है, तो सिचुएशन अलार्मिंग काफ़ी रही है और अभी भी कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है। इस पर इनफैक्ट हम लोग भी एज NGOs या नॉर्मल इंसान, हम लोग भी योगदान दे सकते हैं एटलीस्ट सेफ रह के। अच्छा, जैसे किसानों के, जैसे किसान 15 दिन से बाहर वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, मतलब वो बोल रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैगाम पे जिन्होंने, मतलब उनके जो अपोजिट पार्टी सपोर्ट करी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये जो किसानों का बिल है ये बहुत सोच समझ के किसानों के हित में बनाया गया है। इससे किसानों के लिए मार्केट ओपन हो रहा है। इनफैक्ट आज जो पार्टियां इसके खिलाफ बोल रही है वो खुद ही दिसंबर 2019 में बोल रही थी कि APMC में सबसे ज़्यादा करप्शन होता है, तो एक सी चेंज की ज़रूरत है। तो वही पार्टीज अभी इसके अगेंस्ट जा रही है, इनको एक मुद्दा ही चाहिए, गुमराह कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इनफैक्ट महाराष्ट्र पहला राज्य था जहाँ ये जो नेशनल पॉलिसी आ रही है फार्मर्स बिल, वो महाराष्ट्र में ऑलरेडी लागू है, आपको पता होगा, और कई किसान बहुत ज़्यादा उनको इससे फ़ायदा हुआ है। तो मुझे लगता है जब महाराष्ट्र ने ऐसी पॉलिसी लाई, और जहाँ के आप बात करते हैं न्यूनतम हमी भाव का, तो न्यूनतम हमी भाव पे तो महाराष्ट्र ने एक पॉलिसी भी बनाई थी, प्रोविजन रखा था कि जिसने वो दिया नहीं किसान को तो उसको दंड दिया जाएगा। तो ऐसा हर स्टेट इसमें ऐड ऑन कर सकता है, पर जब